हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपो टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आप इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो सिंपली आप इसका फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स मैं का जो मोबाइल हैंगिंग का प्रॉब्लम था वो आप सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आज मैं फर्स्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप सिंपली अगर क्रोमो का यूज करते हुए या भी कोई भी सर्चिंग वेबसाइट गूगल हो या क्रोमो हो, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेशन है आपको जिन सिंपली कुछ एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं 1 2 3 4 5, तो सिंपली आप इसी तरह का ये खुला हुआ आप छोड़ देते होंगे। ओके, तो सिंपली इसको खोल कर नहीं छोड़ना है, ये हमारे रैम को इंगेज करता है। तो मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरह से रैम इंगेज करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपली आप देख सकते होंगे 5 या 6 खोल कर रखा है, 6 खोल कर रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से वो हमारे इंगेज करेगा। तो सिंपली मैं सेटिंग में आ गया हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली एक रैम सिंपली आपको यहाँ पे मोर सेटिंग में जाने हैं और रैम एंड स्टोरेज स्पेस में और रैम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अवेलेबल स्पेस जो है वो 2.10। ओके, टोटल स्पेस इतना और अवेलेबल स्पेस इतना है। ओके, तो अब मैं इस वीडियो में अब दिखाने जा रहा हूँ कि फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे लगभग 3 या 4 उसको बंद कर दिया। ओके, तो अब आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो हमारा एक मिनट, तो यहाँ पे मोर सेटिंग में जाऊँगा रैम एंड स्पेस। ओके, रैम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल स्पेस फ्रेंड्स अब यहाँ पे 2 GB हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा फ्रेंड्स ये हमारे जो एप्लीकेशन खोल रखे थे वो बैकग्राउंड में इसका सर्विस चलता रहता है। ओके, जिसका कारण रैम जो है वो स्पेस इंगेज करता है, तो इसीलिए आप सिंपली इसका यूज ना करें। ओके, तो फ्रेंड्स अब ट्रिक्स नंबर 2 की ओर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाने होंगे और यहाँ पर आपको एक प्ले स्टोर पर जाने के बाद फ्रेंड्स एक सेटिंग है जो ऑटोमेटिक अपडेट का, उसे आपको बंद कर देने हैं। ओके, कर देने, तो यहाँ पे सिंपली आप स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो अपडेट ऐप। ओके, तो सिंपली आप इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे रखना है। ओके, तो इससे फ्रेंड्स ऑटोमेटिक अपडेट नहीं, तो उसे आपको बंद रखना है। ओके, और फ्रेंड्स ट्रिक नंबर 3 पे मैं जाता हूँ। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको वो सेटिंग में जाने हैं और सेटिंग में आपको सिंपली यहाँ पे अकाउंट एंड सिंक्रोनस पे जाने और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटो सिंक्रोनस है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इसको आपको बंद ही रखने हैं। ओके, जो कि हमारे अपडेट हम डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो इसका जो अपडेट होता है बैकग्राउंड में वो चलता रहता है, जिसके कारण अब वो नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट ट्रिप हाँ, तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट टिप्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप कोई आपके मोबाइल में फ्रेंड्स अनवांटेड एप्लीकेशन अनवांटेड ऐप को इंस्टॉल करके ना रखें जिसका यूज आप ना करते हैं, तो सिंपली आप इसको अनइंस्टॉल करें। ओके, तो आप सिंपली इसको अनइंस्टॉल करें तो आप देखेंगे हमारे इसके कारण भी हमारे मोबाइल जो होते हैं फ्रेंड्स से वो हैंग करते हैं, तो जिसका यूज आप ना करते हैं उसे अनइंस्टॉल मार दें। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।